I'm a human, you know. Bhai padal ra inko sari evadana chulkan ga matladalante. Tum dono orders kyun nahi follow karte? Mera ego mere talent se bada hai. उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हो चुकी है विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म फैमिली स्टार। और दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, ये फिल्म आज अपने पहले दिन क्या कमाल कर रही है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू की फिल्म क्रू और हॉलीवुड की बिगी फिल्म गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों यहां पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के एडवांस बुकिंग के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म क्रू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। और दोस्तों इस फिल्म के लीड में तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आपको कि राजेश कृष्णन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अपने पहले ही दिन से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले ही दिन डबल डिजिट की ओपनिंग लेकर इस साल रिलीज होने वाली तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग ली, तो वहीं दोस्तों 3 ही दिनों के वीकेंड में ये फिल्म लगभग 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी थी। ऑडियंस ने दोस्तों इस फीमेल सेंट्रिक फिल्म को खूब पसंद किया और यही वजह है कि दोस्तों इस वीकेंड में भी इस फिल्म के कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग रहे। अपने चौथे दिन 4,52,00,000 और अपने पांचवें दिन 4 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली क्रू ने दोस्तों अपने छठे दिन भी 3,30,00,000 रुपए की कमाई की। और इसी के साथ इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 44,42,00,000 रुपए के 6 दिनों में इंडिया से हो चुके थे, जबकि दोस्तों 82 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म ओवरसीज को मिलाकर कर चुकी थी। यानी कि दोस्तों सिर्फ 6 ही दिनों में 82 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली क्रू बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के कल और आज की कलेक्शंस की, तो दोस्तों कल अपने 7वें दिन भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल अपने 7वें दिन एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड करने में कामयाब रही और इस फिल्म ने कमाए हैं 3 करोड़ रुपए। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 8वें दिन भी एक बार फिर से शानदार कमाई कर रही है, क्योंकि दोस्तों हिंदी में आज भी कोई फिल्म रिलीज नहीं की गई है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि क्रू को ऑडियंस की तरफ से जिस तरह का सपोर्ट मिला है, ये फिल्म जल्द ही 120 से 150 करोड़ रुपए के बीच की कमाई करने वाली है। बात की जाए दोस्तों यहां पर हॉलीवुड की बिगी फिल्म गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई और दोस्तों इस फिल्म ने हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एडम विंगार्ड के डायरेक्शन में बनने वाली मॉन्स्टर यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है गॉडज़िला एक्स कॉन्ग, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सभी बड़ी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। ऑडियंस की तरफ से भी दोस्तों इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए, तो वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी। यही वजह है दोस्तों कि 3 ही दिनों के वीकेंड में ये फिल्म 46 करोड़ रुपए की कमाई ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 3 ही दिनों में 1680 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के वीकडेज की, तो दोस्तों इंडिया में इस फिल्म को अपने वीकडेज में भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता हुआ नजर आया, जहां अपने चौथे दिन इस फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपए कमाए, पांचवें दिन 5.5 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने छठे दिन 4,80,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही। कल दोस्तों अपने 7वें दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 3,90,00,000 रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं। और इसी के साथ इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 59 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है, तो वहीं दोस्तों इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 70 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दे चले आपको कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है 300 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि दोस्तों लगभग 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ये फिल्म ऑलरेडी कर चुकी है। वही दोस्तों अब बात कर लिया इस हफ्ते रिलीज होने वाली विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की फिल्म
फैमिली स्टार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। और इस फिल्म का डायरेक्शन क्या है, परशुराम ने। जी हाँ दोस्तों, गीता गोविंदम के बाद एक बार फिर परशुराम और विजय देवरकोंडा बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ चुके हैं और इस बार उनका साथ दिया है ब्यूटीफुल मृणाल ठाकुर ने। यह फिल्म दोस्तों आज ऑल ओवर इंडिया में तेलुगु भाषा में रिलीज की गई है, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में ही दोस्तों इस फिल्म ने प्रीमियर से 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था। तो वहीं दोस्तों इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो हैदराबाद में दोस्तों इस फिल्म की एडवांस 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। वहीं दोस्तों ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की एडवांस 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। विजय देवरकोंडा की दोस्तों ये फिल्म एक बेहतरीन कॉमेडी एंटरटेनर है, जिसे की ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों आज अपने पहले ही दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों ओवरसीज के कलेक्शंस मिलाकर ये फिल्म आज लगभग 18 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है। द फैमिली स्टार का बजट भी ज्यादा नहीं है, ऐसे में दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही अपनी रिकवरी कर लेगी। वहीं दोस्तों अब बात कर लिया इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड और सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के एडवांस बुकिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओरिजिनल एक्शन सुपरस्टार्स अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक बेहतरीन एक्शन फिल्म है बड़े मियां छोटे मियां, जिसका हम सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। सुपरस्टार अक्षय कुमार इस फिल्म में आपको एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। उनका एक्शन तो फिल्म में जबरदस्त होगा ही, लेकिन दोस्तों जो ड्यूल रोल इस फिल्म में आपको उनका देखने को मिलेगा वो भी आपको हैरान कर देगा। सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ भी फिल्म में छोटे मियां के रोल में नजर आने वाले हैं और उनका भी एक्शन फिल्म में तगड़ा होने वाला है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म के जो विलन है वो है पृथ्वीराज सुकुमारन, और दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन और उनके परफॉर्मेंस फिल्म में 4 चांद लगाने वाली है। दोस्तों लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट से बनने वाली बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्शन क्या है अली अब्बास जफर ने, और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल ईद यानी कि आज से ठीक 5 दिन बाद रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को आज से ही शुरू कर दिया गया है और दोस्तों इस फिल्म की लिमिटेड एडवांस ऑल ओवर इंडिया में खुल गई है, यानी कि दोस्तों बड़ी सिटीज में इस फिल्म की एडवांस को ओपन कर दिया गया है, जहां से इस फिल्म ने अभी तक 20 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है। जी हां दोस्तों, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद को मिलाकर यह फिल्म अभी तक 20 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि दोस्तों इस फिल्म के अभी तक कुछ ही शो पर एडवांस को ओपन किया गया है। जैसे ही दोस्तों इस फिल्म की फुल फ्लेज एडवांस ओपन होती है, वैसे ही यह फिल्म लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की तो सिर्फ एडवांस ही लेने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि बड़े मियां छोटे मियां को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 5,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होगी, जहां पर इस फिल्म को अपने पहले दिन 60 से 70 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बड़े मियां छोटे मियां की ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस पर कितना रहेगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां से जुड़े सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।